जो बर्तन होता है चाय में उसका जो स्वाद उसका अलग मिनट पर। और अभी 48 मिनट हम लोग को कवरेज करना है। आज का सफ़र राजगीर से जमुई तक दिखाएंगे, सफ़र के दौरान क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए, तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो हमारे चैनल पे आप नए मेहमान हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आप लोग को इंटरेस्टिंग आप तक मिलते रहे। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आगे का वीडियो बनाने के लिए हमें मोटिवेट मिले। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. तो आज हम लोग जमुई जा रहे हैं और ये देख सकते हैं जैन मंदिर पावापुरी, ये आपको लोकेशन दिखा रहा है कहाँ से कहाँ तक जाना है। तो चलिए आज सफर में बने रहिए और आप लोग को आज राजगीर से सफर स्टार्ट किए हैं और जमुई तक सफर दिखाएंगे कि रास्ते में आप लोग को किस तरह से हाईवे पर किस तरह का परेशानी देखने को मिलता है और आप लोग अगर इधर इस रूट में आते हैं तो क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए आप लोग को। तो बने रहिए इस वीडियो को अंत तक और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो गिरियक से राइट हम लोग कट गए हैं। आगे चल के गिरियक में ही लेफ्ट कट गए। ये रास्ता आपको अब शेखपुरा निकाल देगा। शेखपुरा होते हुए हम लोग मुई की ओर चलेंगे। गिरियक में आपको पालतू जानवर गाय भैंस बकरी ये सब खरीद कर आप ले जा सकते हैं। अपने जीवन में कभी ना कभी ड्राइवरी भी करना चाहिए। ड्राइवरी करने से ये होता है कि नए नए से लोग मिलिएगा और जीवन में एक नया कुछ सीखने को मिलेगा। तो जो ट्रैवलर हैं और जिन्हें ट्रैवल से शौक़ है तो जीवन अपनी गाड़ियों के साथ और सफ़र में गुजार लेते हैं। तो नए नए शहर और नया जगह जाने पर नई कुछ बातें को सीखने को मिलता है। तो अपने जीवन में ज़रूर जर्नी ज़रूर कीजिए। पहुंचे नहीं है और एक देख सकते हैं पहाड़ है और इसका नाम है पार्वती। तो ये लोकल गांव के लिए लोग होगा, यहाँ पे घूमने के लिए लोग आते होंगे, यहाँ के जो आसपास लोग होते होंगे। यहाँ पर एक छोटा सा पहाड़ है। राजगीर के आसपास जितना भी एरिया है तो पहाड़ से घिरा हुआ है। तो जहाँ तक आपको पहाड़ ही देखने को मिलेगा इधर के साइड में। पूरा जमुई बांका लखीसराय मुंगेर भागलपुर देखिए वहाँ पे इंडिकेट कर रहा है और हम लोग अब जमुई की ओर निकल रहे हैं। और ये कौन सा बाजार था भैया? अभी एक होटल में पहुंचे हुए हैं और आगे तक आज सफर आपको दिखाते हैं हमारा जहाँ तक सफर रहेगा। और एक देख सकते हैं छोटा सा भी होटल है जहाँ पे लोग यहाँ पे अपनी गाड़ी लगाकर यहाँ पर चाय पीते हैं और अपनी थकान को दूर करते हैं। जिनको नाश्ता करना वो नाश्ता करते हैं। चलिए और आगे का आप लोग का सफर दिखाते हैं हम। और ये मिट्टी का जो बर्तन होता है चाय में उसका जो स्वाद उसका अलग ही होता है। तो जरूर आप कहीं भी है तो खासकर जो चाय बनाते भैया उनको बोलिएगा मिट्टी का जो कप होता है उसमें चाय दीजिए, उसका इसका टेस्ट कुछ अलग ही रहता है। तो चलिए आगे का सफर आप लोग को दिखाते हैं। तो शेखपुरा में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं और आसपास की दुकान लगी हुई है यहाँ पर। तो देख सकते हैं शेखपुरा में भी पहाड़ आपको देखने को मिलेगा अगर आप यहाँ पे आएंगे तो। मुंगेर लखीसराय जमुई और हम लोग बाईपास था यहाँ पर। और देख सकते हैं गूगल मैप पे दिखा रहा है 1 घंटा 13 मिनट पर और अभी 48 मिनट हम लोग को कवरेज करना है। और 4:30 बजे के आसपास हम लोग अगर ट्रैफिक नहीं मिलेगा तो हम लोग 4:30 बजे के आसपास पहुंच जाएंगे जमुई। और अब देख सकते हैं कि एक चीज़ तो कहेंगे हमारे बिहार सरकार नीतीश जी के सरकार में अगर गांव-गांव विकास हुआ है तो सड़क हुआ है, हर एक गांव तक सड़क उन्होंने पहुंचा दिया है।
एक सबसे बड़ा उनका काम है, गांव गांव तक उन्होंने सड़क पहुंचा दिया है और दूसरा हर एक गांव गांव तक उन्होंने बिजली पहुंचा दी है। तो अभी हम लोग शेखपुरा में ही हैं और देख सकते हैं शेखपुरा में भी ऊपर पहाड़ पर मंदिर बना हुआ है। शेखपुरा बाईपास से निकलकर अब हम लोग को यहाँ से दाएं मुड़ना पड़ेगा। किसी कारणवश हम जमुई तक आपको सफ़र नहीं दिखा पाए, लेकिन इस रास्ते से जमुई लगभग 50 किलोमीटर है। आई होप अगले वीडियो में दिखा पाएंगे। तो फिर किसी नए वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल और दूसरों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ये बिल्कुल फ्री है।